जय गुरुजी संगत जी गुरु जी के गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स परिवार में आपका स्वागत है चैनल पर नए हैं तो शेयर करें सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँचती रहें संगत जी अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें जय गुरु जी संगत जी गुरु जी क्या सिर्फ अमीरों का ही भोग स्वीकार करते हैं बहुत प्यारा सत्संग है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो अंकल ने गुरुजी से किया और इसका गुरुजी ने क्या जवाब दिए सत्संग के अंदर आप सुनिएगा बहुत ब्यूटीफुल और ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है फरीदाबाद से, से नवीन अंकल जी ने हाँ जी फरीदाबाद से नवीन अंकल जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सुंदर और सत्संग शेयर किए चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं जय गुरु जी जय गुरु जी शुकराना गुरु जी आज का सत्संग शेयर कराने का शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी कोटि कोटि नमन गुरु जी के चरणों में मैं नवीन फरीदाबाद से संगत जी ये सत्संग उस समय का है जब गुरु जी ने शुरू शुरू में मेरे को मेरा हाथ थामा था उस समय मैं सिर्फ़ यूट्यूब के माध्यम से देख देख के सत्संग सुन सुन के फॉलो करता था कि जैसे जैसे सत्संग सुनता था और अचंभित होता था कि ऐसा भी करते हो गुरुजी जी ऐसा भी करते हो गुरुजी जी तो ऐसे ही एक दिन एक किसी अंटी का जो अब्रॉड से थी उनका सत्संग सुना उनके सत्संग में ये सुना कि उन्होंने भोग लगाया गुरुजी को काजू और बादाम का और गुरुजी ने उसमें से तीन काजू के भोग लगाया था अब उस समय में ये चीज़ सुन के मेरे को बड़ा वो लगा कि गुरुजी से बात करने लगा कि गुरुजी आंटी रोज़ जो घर में बनता है आपको भोग लगाती और वही प्लेट वैसी की वैसी उठा लेते हैं हमें तो पता भी नहीं था कि आप भोग लगाते हो तो गुरुजी से एक सवाल किया क्या आप पैसे वालों के यही भोग लगाते हो गुरुजी उस दिन घर में आंटी ने कड़ी चावल बनाया था शाम को कड़ी चावल का भोग जब प्लेट रखी तो गुरु जी से यही चीज़ कही कि गुरु जी आज इस गरीब के घर भी भोग लगा लेना ऐसा मत करना कि मेरे पास में इतना नहीं है कि मैं काजू बादाम का भोग लगा सकूं आपको मेरे पास में जो रूखी सूखी है आपको अर्पित करके फिर हम ग्रहण करते हैं घर में सब उस दिन संगत जी आंटी ने जो प्लेट में चावल और कटोरी में कड़ी कड़ी में गिन के साथ पकौड़ियाँ डाली थी जिनमें से उस दिन गुरुजी ने तीन पकौड़ियों का भोग लगाया और आधे गिलास जल का भी भोग लिया ग्रहण किया शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी हर किसी की मुराद ऐसे ही पूरी कर दो गुरु सबको सुखी रखो दाता सबको सुखी रखो निरोगी रखो स्वस्थ रखो तो इस तरह से उस दिन गुरुजी ने अरदास सुनी और घर में भोग लगा लिया इसी तरह से एक दिन मैंने शुरू में जैसे सत्संग सुनता था देखता था तो अमृत वर्षा के बारे में एक दिन देखा एक वीडियो में कि ऐसे अमृत वर्षा भी होती है अब गुरुजी से रोज जिद करने लगा गुरुजी जी सबके यहाँ अमृत वर्षा होती मेरे यहाँ क्यों नहीं करते हो अब जैसे जैसे देखता था वीडियो में फॉलो करता था मैं भी मांग करता था कि मुझे भी चाहिए मेरे यहाँ भी करो अमृत वर्षा अब वो करते 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 इस तरह से मतलब एक जिद वाली हो गई रोज़ बोलता था रोज़ वो रोज़ देखता रहता था रात को आधी आधी रात को मोबाइल की टॉर्च जला जला के देखता था गुरु जी के स्वरूप को कि कहीं इस ऐसा ना हो कि गुरु जी अमृतसर कर दें और मैं सो जाऊं आधी आधी रात को एक बजे दो बजे टॉर्च जला जला के कमरे में देखता रहता था लेकिन ये तो उनकी महिमा वही जाने जब कब किसको कैसे ब्लेस करना है उसके बाद में रोज़ करते करते जिद करते करते पिता के आगे बच्चा हार गया उसके बाद से बोलना छोड़ दिया कि चलो जैसी आपकी मर्जी तो ऐसे ही एक दिन थोड़े समय जब बीता जब जिद छोड़ दी और ध्यान भी हट गया मेरा उस समय से आंटी ने जैसे ही शाम की जोत जगाई और उसी समय अमृत वर्षा कर दी गुरु जी ने गुरु जी अनंतम शुकुराना बस अपने हिसाब से करते हैं हमारे प्यारे गुरु जी के कब किसको किस समय ब्लेसिंग की ज़रूरत है उस समय ब्लेस करते हैं ना कि हमारे चाह लेने से बस मैंने तो सिर्फ कामना करी थी लेकिन सही समय का इंतज़ार तो गुरुजी जी जानते हैं कि कौन सा किसके लिए कब सही समय है किसको कब क्या मिलना है उस समय गुरु जी ने अमृत वर्षा करके इस दास की इस बच्चे की मनोकामना पूरी कर दी सुखराना गुरु जी कोटि कोटि नमन गुरु जी जय गुरु जी गुरुजी गुरु जी अनंतम सुखराना गुरु जी